अब हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, और वो है दहेज का प्रॉब्लम। हम सब जानते हैं, एक ओपन बात है कि दहेज के बगैर बहुत सारी शादियां होती ही नहीं है। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में 24,771 डाउरी डेथ्स हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 24,700 से ज्यादा डाउरी डेथ्स हुई है। डाउरी डेथ कब होती है? एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है जाओ ये दहेज ले आओ, ले आएगी तो वो खुश हो जाएगा, चुप रहेगा। कई सारे ऐसे डाउरी मांगने वाले हैं जो सिर्फ शुरू में डाउरी मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम डिमांड करते रहते हैं। वो लाइफ टाइम डिमांड करने वालों में ऐसे भी होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ते जाते हैं, फाइनली वाइफ और उसके इन-लॉज उसके डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते, तो इसके बाद वो ताना देना शुरू करता है, वो और उसके फैमिली मेंबर्स। उसके बाद क्रूएल्टी शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं, और उसके बाद एक स्टेज होता है कि जहां पर उसका कत्ल कर दिया जाए ताकि ये जाएगी, कोई और आएगी, उस पर से एक दहेज की कमाई होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 3.48 लाख केसेस ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट वुमेन, जिसके अंदर हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स ने कोई क्रूएल्टी का एक्शन किया औरतों पर, यानी कि 3.5 लाख केसेस एक साल में। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी एजुकेशनल फिल्म्स, बहुत कुछ किया जा रहा है, और कितना कुछ और हम सबको करने की जरूरत है। लेकिन मैं आप सबके सामने एक प्रपोजल रख रहा हूं जो हम सबको इस जंक्शन पे एनालाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए खुले जहन से। मान लीजिए कि पॉलीगमी का सिस्टम इंडिया में फिर से शुरू हो जाता है जैसे कि पहले शुरू था। पहले तो हम ये देखते हैं कि सारी वो औरतें जिन्हें हस्बैंड्स नहीं मिले, जो डिवोर्स्ड है, जो विडोड है, उन्हें हस्बैंड्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब शादियां औरतों की बहुत आसानी से होने लगेगी, क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, सप्लाई तो जितना है उतना ही है, औरतें कुछ बढ़ने वाली नहीं है सडनली, लेकिन जब डिमांड बढ़ जाता है तो कोई इंसान सिंपल बात समझ सकता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस तो बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर वो आदमी आएगा कि मैं शादी करूँगा तुम्हारी बेटी से इस शर्त पर कि तुम मुझे इतना इतना दहेज दो, गाड़ी दो, फर्नीचर दो, स्कूटर दो। अब वहाँ पर वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से इस शर्त पे शादी करूँगा कि तुम मेरे ये डिमांड्स पूरे करो। लेकिन अब जब डिमांड बढ़ चुका होगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और ये सिचुएशन चेंज होने की वजह से उसे एक बीवी सिर्फ तब मिलेगी जब वो खुद कुछ करने तैयार है। हो सकता है हमारी कंट्री में भी हमें देखने मिले, जो गल्फ कंट्रीज में वहाँ की औरतों के साथ होता है, कि एक मर्द आता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं इतना इतना मेहर दे सकता हूँ, तो वो कहेंगे नहीं मुझे इससे ज़्यादा चाहिए अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो वहाँ के स्पीकर्स और स्कॉलर्स और रिफॉर्मर्स जो होते हैं वो कहते हैं इतना ज़्यादा मेहर मत मांगो, मेक इट ईजी। लेकिन ये सिचुएशन इंडिया में भी आ सकती है अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पॉलीगमी को अलाउ करें। काइंडली कंसिडर।